भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि जो कोल्ड स्टोर कम पैक हाउस में जो शाहबाद सब्जी मंडी में बना हुआ था लेकिन पिछले 2 साल से बंद था, स्टोर की बोली अधिक होने के कारण किसी ने ठेके पर नहीं लिया था। प्रवक्ता राकेश बैंस ने आरोप लगाया कि स्टोर के बंद रहते कुछ मशीनरी खराब हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें स्टोर में आग लगने का पता चला और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया, लेकिन स्टोर के बंद रहते बिजली नहीं है तो शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है। बैंस ने कहा कि यह घटना संदेह के दायरे में है, इसकी जांच होना आवश्यक है। उन्होंने प्रशासन से जांच की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मशीनरी का पता लगाया जाए। उन्होंने मंडी प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। ये देखिए, ये कोल्ड स्टोर कम पैक हाउस था मंडी के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर बना हुआ था और काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी चला भी है और पिछले 2-3 सालों से बंद था क्योंकि बोलीदाता जो ठेके पे लेते हैं वो इतनी बोली नहीं दे पा रहे थे, जिस कारण से इसको रोका हुआ था। पर इस बंद के अंदर से हमें जो मालूम हुआ कि कुछ मशीनरियाँ जो है गायब हो चुकी थी और उसके बाद जो है इसमें कल जब आपके माध्यम से पता लगा कि एक इसमें आके वाले कर हो गया ये, तो बड़ी संदेह इस पे बात पे उठता है कि जो हमें बताया गया उस आपकी वीडियो में वो बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लगी, जब लाइट ही नहीं पिछले 2 साल से, तो शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है। बड़ी गंभीर इस बात की एक बिंदु है जिस पर चर्चा करनी अति आवश्यक है, जिस पर जांच करनी अति आवश्यक है। और मैं विनती करूँगा कि प्रशासन से, DC साहब से और जो अपने प्रशासन है मंडी प्रशासन, उनसे सभी से विनती करूँगा कि इस आग की जाँच करवाई जाए कि क्या इसके अंदर मशीनरी थी या अपने आप को बचाने के लिए इस संपत्ति को, राष्ट्र की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया।